डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ममता बनर्जी को हिटलर बताते हुए कहा कि वह डर गई हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में योगी की सभा न करने की परमिशन देने पर कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में एक मुख्यमंत्री इतना कितना हिटलर शाही प्रवृत्ति में होगा, इसकी उम्मीद नहीं की जाती। सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाना, लाठीचार्ज करके सरेआम पुलिस से काम कराना, मैं समझता हूँ कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री की सभाओं को हुकूमत न देना उनका डर दिखाता है। बरेली पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि नकलची माफिया हमारे टारगेट पर हैं और अगर नकल कराने का प्रयास किसी ने किया और हमारे बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने की कोशिश की तो फिर आप हम कार्रवाई करेंगे। नकल माफिया किसी तरह की हरकत करेगा तो उसका स्थान जेल में होगा। अंतरिम बजट ने एक बात सिद्ध कर दिया है फिर से कि पहली बार आज़ादी के बाद कोई सरकार आई है तो वो सरकार हताशा और निराशा का दौर चल रहा है विपक्ष में। विपक्ष के पास में कहने को कुछ नहीं है। जिन्होंने 60 साल तक काम किया उन्होंने 60 रुपए भी देने का काम नहीं किया। आज MSP के दाम को बढ़ाकर आपदा में मुआवजा को देकर मृदा परीक्षण को कराकर गांव-गांव उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के सिलेंडर को पहुंचाकर गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास और सड़क को बनाकर आज पानी बिजली घर घर कनेक्शन करके जिस प्रकार से गरीबों पर ध्यान दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि आज 59 मिनट में मुद्रा लोन का 1 करोड़ रुपये तक मिल जाए, पूरा ध्यान गरीबों के रोजगार पर गरीबों को आगे बढ़ाने पर था और जो मध्यम वर्गी के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए तक का किया, हालांकि 6.5 लाख से ऊपर भी अब टैक्स फ्री हो जाएगा अगर उन्होंने किसी प्रकार की बचत की है और उसके ऊपर भी चलेंगे। विभिन्न बचतों को अगर देखेंगे तो 10 लाख से भी ऊपर लोग अपने टैक्स से एग्जम्प्ट कर सकते हैं। इस प्रकार का बजट बना हो कि 6,000 रुपये हमारे एकदम जो कम आय वाला किसान है उसको घर बैठे मिल जाए, मैं समझता हूँ ये क्रांतिकारी शुरुआत भारतवर्ष में हो गई है और शायद इसीलिए कि रक्षा के क्षेत्र में हमने अव्वल काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का हमने काम किया। उत्तर प्रदेश जाइए चारों तरफ आपको पुल बनते, सड़कें बनते, आपको सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो विकास के दौर से गुजरते गुजरते आम लोगों को भी आज जो राहत दी है प्रधानमंत्री ने अभूतपूर्व। बिल्कुल, एक मिनट शांत करो इनको। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मैंने स्वयं परीक्षा के पूर्व समीक्षा करी है और आज भी बरेली में भी IG DIG जिलाधिकारी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के साथ में मैं बैठ रहा हूँ। अभी जिला प्रशासन के साथ बैठ चुका हूँ और मुझे खुशी है कि 64 जिलों में मैंने स्वयं जिला अधिकारी और जिला प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग के साथ में बैठा था। विश्वविद्यालय और हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाएं साथ साथ चलेंगी। जो नकल माफिया हैं वो हमारा टारगेट पे हैं और अगर नकल कराने का प्रयत्न किसी ने भी किया और हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमारा विद्यार्थी सुखी मन होकर हमारा शिक्षक काम करे, विद्यार्थी मेधा शक्ति का उपयोग कर सके, उसको पूरी छूट होगी और परीक्षा केंद्रों में वो शांतपूर्वक अपनी परीक्षा दे सके, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन नकल माफिया किसी प्रकार की हरकत करेगा तो उसका स्थान अब जेल होगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पश्चिम बंगाल दौरा था, वहाँ प्रशासन ने उन्हें सभा करने की अनुमति नहीं दी है, वहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने। अभी मैं बंगाल के दौरे से लौट रहा हूँ, मेरी वहाँ 3 सभाएं थी और मुझे देखकर वहाँ पर दुख भी होता है और आक्रोश भी होता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में एक मुख्यमंत्री इतना हिटलर शाही प्रवृत्ति में होंगे इसकी उम्मीद नहीं हो सकती। सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोपों को लगाना, लाठीचार्ज करके सरेआम पुलिस को एक आम जिसको कहते हैं माफिया की तरीके से काम कराना, मैं समझता हूँ ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है उनके प्रशासन की। और मुख्यमंत्री जी की आज सभाओं को
अनुमति ना देना उनका डर दिखाता है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही वहाँ पर सरकार का परिवर्तन होगा।